हाँ सर आ रही है। चलिए, काइनेमेटिक्स में फर्दर कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिसमें से स्क्रीन दिखाई दिया आप लोगों को। यस सर। हाँ सर। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है? एक इजी वाला, फिर धीरे धीरे, नहीं तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर वन कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन ये इजी है, सबका हो जाना चाहिए मुझे लगता है। साइज बना दूं, दिख रहा है सबको? वन सर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन कोशिश कीजिए। और घड़ी देख के, ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली घड़ी देख के 5 मिनट, आंसर आया ठीक है, नहीं तो मैं सब कर दूंगा। सर 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ 40 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। कैसे किया? कैसे किया बोलो?
सर पहली ट्रेन को 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में आधा घंटा लगेगा। ट्रेन को 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में आधा घंटा लगेगा। हाँ तो फिर उससे स्पीड आ गई, 20 किलोमीटर में आधा घंटा लगा तो 40 किलोमीटर पर आ रहा है सर। हाँ सर। बाकी कोई? सर वो फाइनल स्टेप है आधे घंटे में। क्या फाइनल स्टेप? सर पहले हमारा जो पैसेंजर का ट्रेन है उससे पता चलता है कि 1/3 ऑफ एन आवर में वो 20 किलोमीटर कवर करता है, और अनाउंसमेंट्स के इसमें टाइम गैप 10 मिनट्स का रहता है, तो टोटल टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन शुड बी टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस 10 मिनट्स जो आधा घंटा आता है, और 20 किलोमीटर आधा घंटा मतलब 40 किलोमीटर। ये जो बोल रहा है कि आधा किलो आधा 20 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगा है, सिंपल एज दिस। यस यही बोला ना बेटा? वही सेम सर। तो ये इसका मतलब डेल्टा T2 जो 20 मिनट दिया है उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा क्या? नहीं सर, थोड़ा यूज लगता है क्योंकि जो डेल्टा टी इसके जो अनाउंसमेंट्स में रहता है वो इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन है और फाइनल डिफरेंस, तो टाइम थोड़ा डिपेंड करता है उस पर, नहीं तो फिर पता नहीं चलता 10 मिनट्स का डिफरेंस है 15 मिनट्स का डिफरेंस है। हाँ तो ये जो किसी ने मुझे कहा, किसने? प्रतिनम ने कहा कि दूसरे ट्रेन पर जब पहुंचा जो कि 20 किलोमीटर में है तो उसको लगा कि 30 मिनट बाद पहुंचा, तो वो कहता है कि 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगा, ये बात तो गलत है ना? सेकेंड ट्रेन को 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगा, ये कहां से पता चल गया आपको? सर अनाउंसमेंट्स के थ्रू? नहीं नहीं एक सेकेंड, अभी मुझे सबसे पहले आंसर कौन एक्सप्लेन कर रहा था? प्रतिनम कर रहा था शायद? नहीं सर, मैं नमन कर रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले आंसर किसने बोला था? नमन ने। Who gave me the first explanation? सबसे पहले नमन ने दिया था। आंसर किसने दिया था मुझे? प्रतिनम ने आंसर सबसे पहले। प्रतिनम ने दिया था, मुझे उसका आवाज पहचानता हूँ ना। तो प्रतिनव से मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि 40 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगा, सॉरी कितना, 20 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगा। ये सही है क्या? ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं सर वो सही, वो नहीं है बट वो नहीं है, ये थॉट प्रोसेस रॉन्ग है प्रतिनव का। दूसरा नमन जो एक्सप्लेन कर रहा था, नमन नाम है ना बेटा? हाँ सर। हाँ नमन का एक्सप्लेनेशन सही है, मुझे बताने की जरूरत है या सबका हो गया? हो गया सर। पक्का? यस सर। सर 2 मिनट देखो, बाकी लोग 2 मिनट इधर देख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनिएगा ध्यान से, ये है एक स्टेशन, ये है दूसरा स्टेशन, इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है मालूम है क्या? 20 किलोमीटर मालूम है क्या? यस सर। 20 किलोमीटर, तो ये है 20 किलोमीटर। दो ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम ए रखते हैं, एक ट्रेन का नाम बी रखते हैं। तो जब ट्रेन ए यहां से गुजर रहा था उस समय इस ट्रेन ए में जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको अनाउंसमेंट ये हुआ कि यहां से ट्रेन बी 30 मिनट्स पहले गुजरा था,
सर। तो ट्रेन भी उस समय 30 मिनट पहले गुजरा था, तो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। मान लेते हैं इस मोमेंट पर ट्रेन भी यहाँ है, अपने मन से मैंने मान लिया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा स्पीड ऑफ ट्रेन बी इनटू 30 मिनट्स। ऐसा होगा आया ना? हाँ सर। उसके बाद ट्रेन ए जब यहाँ पहुंच गया, तो अब मेरा ट्रेन ए यहाँ पहुंच गया, तो ट्रेन बी उतनी देर में कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, उतनी देर में ट्रेन बी कहीं वहां पहुंच गया होगा। ट्रेन ए की स्पीड मालूम है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर है ना? बोलिए बेटा। हाँ सर। तो ट्रेन ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स 1/3 आवर। तो ये यहाँ से आगे और कितना जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इनटू 1/3 आवर कितना जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो सेकेंड स्टेशन पर ये क्या अनाउंसमेंट सुनता है? सेकेंड स्टेशन पर ये क्या अनाउंसमेंट सुनता है? फर्स्ट ट्रेन 20 मिनट्स पहले आई थी। मतलब यहाँ पर जहाँ ये पहुंचा है वहां 1/3 आवर पहले सेकेंड ट्रेन आई थी, यही सुनता है ये? यस सर। यस सर। ये वाला पॉइंट भी यहाँ मैच करेगा, तभी तो बी बी इनटू 1/3 आवर होगा। Yes, sir. समझे सब लोग? Yes, समझे सब लोग कि नहीं? नहीं सर। जिसने नहीं समझा फिर से सुनो, मैं ब्लैक मार्कर से इनिशियल पोजीशन लिखता हूँ, तो ये ब्लैक वाला जो कुछ लिखा वो इनिशियल है। तो ट्रेन ए यहाँ पर है और मैंने मान लिया कि उस मोमेंट पर ट्रेन बी थोड़ा आगे कर देता यहाँ पर है, ठीक है। अब जब ट्रेन ए यहां से यहां पहुंचा, तो ट्रेन ए को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1/3 आवर। यस सर। 1/3 आवर। तो 1/3 आवर में ट्रेन भी यहां से यहां पहुंच गया, पहुंच गया। Yes, sir. तो जब ए ब्लैक वाला ए रेड वाले ए पर पहुंचा, तो अनाउंसमेंट सुना कि रेड वाला बी 20 मिनट्स पहले, दैट इज 1/3 आवर पहले यहां पर था, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 1/3 आवर पहले तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट मैच करें। ये यहाँ हो तभी तो यहाँ से आगे 1/3 आवर में गया। हाँ सर। पक्का? यस सर। बस तो हो गया, यानी कि इनिशियली ट्रेन ए यहाँ था, इनिशियली ट्रेन बी यहाँ था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मिनट था, जिसको ट्रेवल करने में 20 किलोमीटर था, जिसको ट्रेवल करने में आधा घंटा लगा, आधे घंटे के बाद ए यहाँ पहुंचा ना? हाँ सर। तो आंसर इज 20 किलोमीटर अपॉन 30 मिनट्स, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये जैसे ही यहाँ आ गया तो वीबी इनटू 2, वीबी इनटू 1/2 इज 40 किलोमीटर हो गया ना बेटा? वीबी इनटू 1/2 यही 20 किलोमीटर हो गया।
अगर ये डिस्टेंस मेरा जीरो हो गया जो कि दिख रहा है तो इसका मतलब है दिस 20 इज नथिंग बट vb into 1 by 2 so vb is 40 km per hour सबको क्लियर है या थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो मैं फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है सर ये लास्ट में नहीं समझा मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा सर ये आवर वावर को मिनट में कर देते हैं सुनिए सर आवर की बात नहीं करते ट्रेन ए जब पहले स्टेशन पर था तो उसको सुनाई दिया कि ट्रेन बी यहां से 30 मिनट पहले गुजरा है यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर यानी कि इस मोमेंट पर ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना होगा स्पीड ऑफ ट्रेन बी इनटू 1/2 किलोमीटर होगा यस सर तो ये लिख के रख लीजिए सेपरेशन बिटवीन बोथ ट्रेन इज स्पीड ऑफ ट्रेन बी इनटू 1/2 आर लिख लिए यस सर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जब ट्रेन ए सेकेंड वाले स्टेशन पर पहुंचा जो कि उससे 20 किलोमीटर दूर है ठीक है यस सर तो ट्रेन ए को दूसरे वाले स्टेशन पर जाने में टाइम कितना लगेगा 20 मिनट्स नहीं नहीं हाँ 20 किलोमीटर दूर है और 60 किलोमीटर पर आर स्पीड है So, 20 upon 60, 1 by 3 hour, that is 20 minutes. So, तो जब वो स्टेशन सेकंड पर पहुंचा तो उसको बताया गया कि पहला वाला ट्रेन 20 मिनट पहले यहाँ था yes, sir. और इसको वहां पहुंचने में 20 मिनट ही लगा yes, sir. मतलब दोनों स्टेशन के बीच जो सेपरेशन है वही सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन भी है सर तो बिटवीन द ट्रेन सेपरेशन ऊपर कितना मिला था vb into 1/2 सर तो vb into 1/2 20 किलोमीटर के बराबर होगा यस सर पक्का यस सर यही अगर सेकेंड स्टेशन पर ये अनाउंसमेंट नहीं होता कि पहला वाला ट्रेन 20 मिनट एगो गया है या कोई और दूसरा टाइम होता तो पॉइंट बी तो सेकेंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर नहीं कुछ और होता तब निकालने में थोड़ी दिक्कत होती अदरवाइज ये तो ओरली हो गया हंड्रेड परसेंट क्लियर है सबको तो अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करिए ज्यादा नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए एकदम चुन चुन के ठीक ठाक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जिससे थोड़ा आपका मेंटल एक्सरसाइज भी कुछ हो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए सर 33.33 नहीं एक आंसर नहीं होगा इसका बेटा
इसके मल्टीपल आंसर होंगे और आंसर में एक पैटर्न दिखेगा, क्या क्या स्पीड हो सकता है ये पूछा ना शायद। मैं भी पढ़ लू क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला था ना, ट्रैफिक सिग्नल आर इंस्टॉल्ड एट एवरी 1 किलोमीटर ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट रोड, द सिग्नल रिमेन रेड फॉर 30 सेकेंड एंड ग्रीन फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड, द सिग्नल्स आर सच अ वे दैट एट अ टाइम अल्टरनेट सिग्नल में रिमेन रेड एंड द अदर रिमेन ग्रीन, द स्कीम इज एज शोन इन फिगर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सजेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टेंट स्पीड एट विच अ व्हीकल कैन रन ऑन द रोड विदाउट अ स्टॉप। बढ़िया क्वेश्चन है, खुद से करो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, दिमाग लगाओ। और इसके एक नहीं, इसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। सर रेंज जाएगा, लॉज ऑफ मोशन तुम लोगों का शुरू हो गया क्या? नो सर। सर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है। बोलो क्या डाउट है। जो ट्रेन टू है उसने ज्यादा टाइम लगा है, फिर भी उसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा कैसे? क्या है, क्या लगा? सेकेंड ट्रेन को ज्यादा टाइम लगा फिर भी उसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा कैसे? कहाँ ज्यादा टाइम लगा? तो उसे 30 मिनट का हेड स्टार्ट मिला लेकिन सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंचा, उसकी स्पीड और पहले वाले ट्रेन की स्पीड सेम होती तो फिर 30-30 मिनट्स होता, लेकिन दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड पहले वाले से कम है बेटा, पहले वाले का स्पीड तो 60 है ना। सर मैं मिसकंसेप्शन था, मुझे लगा कि पहले वाले ट्रेन का जो दूसरे वाले का तो 60 है, क्वेश्चन में देखा आपने, मुझे लगा दूसरे वाले का 60 है। नहीं, दूसरे वाले को तो पूछा है, दूसरा मतलब पहला मतलब जिसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, जिसमें पैसेंजर बैठा हुआ है उस ट्रेन की स्पीड है 60 और जिसमें पैसेंजर नहीं है उसकी स्पीड पूछी है आपसे, वो है 40। अब पहला दूसरा आप किसको कहते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? फोर्थ का आंसर बताओ होगा क्या? सॉरी, ये जीपी होगा क्या? क्या होगा बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किलोमीटर पर आवर में आंसर बताना। कोई तो बताओ, सर 33 1/3 मीटर पर सेकंड, 11 1/3 मीटर किलोमीटर पर आवर में बता बेटा, किलोमीटर पर आवर में। ओके सर 120 122 120 करेक्ट सर। मुझे मल्टीपल्स में आ रहा है 120 60
120 सही है, बाकी सब गलत बोल रहे हो आप लोग। सर 40 भी होगा ना? 40 भी होगा, वेरी गुड। 120 भी होगा, 40 भी होगा, ये दो आंसर सही हुए। सर 24 भी होगा, वेरी गुड, ये आंसर भी सही है। किसने बोला ये तीनों आंसर? सर 24 120 मैंने बोला था। देखो कॉमन सेंस है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ध्यान से देखो सब मेरी तरफ। रेड और ग्रीन, तो बिना रुके जाना है, तो ग्रीन को मैं ब्लैक से बनाता हूँ, रेड तो है मेरे पास, तो ये ग्रीन है अभी, ये फिर रेड है, ये फिर ग्रीन है, अल्टरनेट है ऐसा, ये फिर रेड है ऐसा, ऐसा कुछ है। अब देखो कोई एक कार जो यहां जा रहा है वो इसको क्रॉस करे, ध्यान से सुना सर, और सबके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है लगेगा, तो ये रेड हो चुका होगा, सॉरी ये रेड वाला ग्रीन हो चुका होगा, ये क्रॉस करेगा, और ये ग्रीन वाला उस समय रेड हो चुका होगा, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा फिर ये ग्रीन होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसको एग्जैक्टली 30 मिनट से लगे, तो ये अल्टरनेट जब जैसे जैसे पहुंचता जाएगा, हर ये रेड ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन रेड रहेगा, बट फिर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये रेड से फिर ग्रीन हो जाएगा, और ये कहानी चलती रहेगी। अभी तक मैंने जितना बोला ये बात समझ आई? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। या कोई डाउट है? सोच के बोलना। सोच के बोलना। तो यहां से तो मुझे लगता है हर 1 किलोमीटर को जाने में कितना लगा? 30 seconds। सेकेंड है या मिनट है ये? अच्छा सेकेंड है। तो हर 1 किलोमीटर को जाने में 30 seconds लगा, तो कितना किलोमीटर पर आर हुआ? 120 किलोमीटर पर आर। 120। तो 120 का आंसर जस्टिफाई हो गया? यस सर। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये जो रेड है, ये रेड तो मेरा 30 सेकेंड के बाद ग्रीन होगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये रेड मेरा 30 सेकेंड के बाद ग्रीन होगा, तो कैसे समझाऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी मैंने एक एक का इंटरवल 30 सेकंड में पास किया है, अब अगर मैं दो दो का इंटरवल 30 सेकंड में पास करूं तो भी तो काम चलेगा? नहीं सर, तो दूसरे में तो रेड नहीं चलेगा ना सर, वो तो रेड ही रहेगा, तो नहीं जा पाएगा। नहीं समझे आप? ऐसा करते हैं कि दो दो का इंटरवल का मतलब है,
दो का इंटरवल मतलब आप डिस्टेंस में ले लिए, मैं टाइम में कह रहा हूँ। मैं टाइम में का मतलब जब ये ग्रीन वाला रेड पर पहुंचे तब तक रेड वाला एक बार रेड ग्रीन होके दो बार हो गया हो। हाँ सर वैसे हाँ सर समझा हो सकता है। हाँ सर समझा। हाँ सर मतलब 30 सेकंड के बदले अगर 90 सेकंड तो भी कहानी चलेगी मेरी। हाँ सर। हाँ सर समझ गए मेरी बात। यस सर। अगर अगर ये आदमी देखो 30 सेकंड में यहाँ पहुंच गया तो नथिंग लाइक इट, बट 60 में यहाँ पहुंचा तो रेड से ग्रीन हुआ और ग्रीन से फिर रेड हुआ तो नहीं चलेगा, बट 90 में पहुंचा तो फिर कहानी चलेगी लंबी। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो नेक्स्ट वाले में मेरा टाइम गैप कितना हो गया, 90 सेकंड हो गया। यस सर। यस सर। तो 1 किलोमीटर जाने में 90 सेकंड लगेगा तो दूसरा स्पीड क्या हो सकता है 1 किलोमीटर पर आवर। कितना 1 किलोमीटर अपॉन 90 सेकंड दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। यस सर। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 3 इंटरवल। कितना इंटरवल 150 सर 3 मिनट सर 150 नहीं ध्यान से समझो, एक इंटरवल के बाद हुआ 3 इंटरवल है ना, अब 3 के बाद फिर होगा 5 इंटरवल सर। हाँ सर। तो 5 इंटरवल का मतलब 30 × 5 = 150 सेकेंड्स सर। 1 किलोमीटर 150 सेकेंड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। पैटर्न समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो यहाँ से अब एक जनरल आंसर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। जनरल आंसर ये होगा, मुझे क्या स्पीड निकालने, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन टाइम गैप क्या होगा मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ 30 सेकेंड्स। हाँ सर। यस सर। यस सर। अपॉन ऑड मल्टीपल ऑफ 30 सेकेंड्स, इसको तुम लोग किलोमीटर पर आवर में कर लेना, इससे जो पैटर्न आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझे मेरी बात। हाँ सर। हाँ सर। ऑड नंबर को लिख सकता हूँ मैं 2n+1 और 30 सेकेंड को आवर में लिखोगे तो कितना होगा बेटा 1/120। आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी इसलिए बोल रहा हूँ सर। समझा समझा समझा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करो आप जरा सा।
आंसर टू आंसर बता रहे हैं सर 2 मीटर पर सेकंड वेरी गुड किसने बताया तनिष सर सॉरी तनिष चौधरी तनिष बहुत अच्छा वेरी गुड सही आंसर बताया आपने सर 3 मीटर पर सेकंड नहीं 2 मीटर पर सेकंड आंसर होगा बोलो कोई तो और बोलिए और किसी को आया या नहीं आया सर सॉरी आया आया वेरी गुड
सबको आया या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं आया सर। कौन है जो एक्सप्लेन करेगा बताओ? चलो जिसको आया उसमें से बोलो कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। बोलो किसको आंसर आया था? एक तो तनिष्क ने बोला था उसको आया था। तनिष्क बता कैसे किया सॉल्व? सर मैंने पहले फर्स्ट सिचुएशन लिया जिसमें स्टॉप सिग्नल और ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का सेम टाइम था, तो उससे एक इक्वेशन आता है 1.5 इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस है अपॉन 2t, क्योंकि t इज इक्वल इन रेड एंड ग्रीन बोथ। एक मिनट एक सेकंड। हाँ, दो दो सिग्नल के बीच का डिस्टेंस आपने s ले लिया ऐसा कह रहे हैं? यस सर। तो मैं लिख देता हूं, दो सिग्नल के बीच का डिस्टेंस आपने s ले लिया डिवाइडेड बाय। सर मैंने एक सिग्नल का टाइम t लिया तो ग्रीन और रेड सिग्नल दोनों का 2t हो जाएगा। दोनों का टाइम 2t हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उससे एवरेज आया 1.5। वेरी गुड। बाकी लोग सुनो, यहाँ तक बिल्कुल सही कहा। ये 2t वाला फंडा समझा आप लोगों ने? यस सर। सब लोग समझ गया ये टूटी वाला? डाउट है किसी को? यस सर। मतलब टी टाइम तक ग्रीन रहता है और टी टाइम तक रेड रहता है, तो यही वाला ग्रीन और रेड में मैं बताऊं, मान लो अभी ये ग्रीन है अभी रेड है, तो यहाँ अभी टी टाइम तक ये ग्रीन रहेगा और ये टी टाइम तक रेड रहेगा, समझ रहे हो? तो इस डिस्टेंस को पास करने के लिए हमारे पास कितने टाइम का बैंडविड्थ है? हमारे पास 2t टाइम का बैंडविड्थ है। कि नहीं? Yes, sir. दूसरे केस में डिस्टेंस s y रह गया। अब हमारा शायद रेड को वही रहने दिया है और ग्रीन को डबल कर दिया है, ऐसा किया है? यस सर। तो रेड को वही रहने दिया है और ग्रीन को डबल कर दिया है, तो अब हमारे पास टाइम का बैंडविड्थ कितना बचा इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए? सर 3t हो जाता है वो। कितना बचा? सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, मैंने s को कांस्टेंट नहीं लिया, पहले s by t का वैल्यू ले लिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक जो आपने कहा ना मैं अग्री करता हूँ, इसके आगे का बता, इसलिए पूछा हूँ। और किसने सॉल्व किया और कौन एक्सप्लेन करेगा? सर सेम मेथड जो आपने किया था। क्या किया? मैं इसके बाद क्या करूँ बताओ? सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपने वही किया? यस सर। या इसमें डाउट है? सर वहाँ तक वैसे किया? आपने किया या आपने कुछ और किया? सर सेम किया था। इसके बाद क्या किया बताइए? सर फिर उसके बाद 3t से डिवाइड कर देंगे तो, क्योंकि टोटल टाइम 3t हो जाएगा फिर। नहीं फिर तो 2 आंसर नहीं आएगा ना। सर मैंने थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा यूज किया और स्टॉप को मैंने एकदम ब्लैंक छोड़ा और जहाँ मूविंग ट्रैफिक है उसमें एक लाइन बनाया, तो s by t से हमको मूविंग ट्रैफिक का वैल्यू आता है जो है स्पीड जो 3 है। हाँ सो सर जो सेकंड केस में रहता है उसमें we have 2 lines which means 2 moving parts of traffic and one stop traffic, so wo 3t total time aa jata hai par distance covered ho jata hai 6 kyunki 3 plus 3 2 moving parts hai aur 6 by 3 kiya to 2 aa jata hai, thoda visual representation ke sath aasan ho jata hai wo. aur koi hai jo batayega, koi aur isko explain karna chahega jisko answer aaya?
इसको गलती क्या हो गई पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों, मतलब आप लोग जैसे सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, गलती ये हो गई कि इससे जस्ट पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें आपको कंटिन्यूटी में रेड और ग्रीन दिख रहा है। आप इसको ऐसे समझिए ही मत, मैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर देता हूँ। सब लोग सुनो, सबका ध्यान है इधर, सबका ध्यान इधर है। यस सर। हाँ सर। अब इधर सुनो, मान लिया मैं ये है ट्रैफिक, ये है सिग्नल, एक ही सिग्नल की बात करते हैं ठीक है, ये है मेरा सिग्नल और ये सिग्नल जस्ट अभी ग्रीन हुआ है, जस्ट अभी ग्रीन हुआ है और ये ग्रीन रहता है टी टाइम तक, ग्रीन रहता है टी टाइम तक और उसके बाद फर्दर टी टाइम तक ये रेड रहता है। मतलब यहां से लेकर टू टी डिस्टेंस तक, सुनिए सब लोग ध्यान से, 1.5 इसकी स्पीड है इंटू टू टी टाइम, यहां तक के ट्रैफिक को संभाल पाता, सिग्नल कहीं भी है मुझे नहीं मतलब, एक ही सिग्नल की मैं बात करता हूं। तो अभी ये वाला जो आदमी होगा जिसने इसको ग्रीन देखा, ये जिसने इसको ग्रीन देखा वो चल रहा होगा आगे, और जिसने इसको रेड देखा, ध्यान से सुनिएगा सर, जैसे ही किसी को रेड दिखाई देगा तो वो रुक जाएगा। डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल को छोड़ दो, अभी तुम ये समझो कि एक ही सिग्नल है मेरा, एक सिग्नल है हर जगह यही था, ये सिग्नल अभी ग्रीन है, अभी अगर ग्रीन है और टी टाइम के बाद रेड हो जाएगा, अभी ग्रीन है टी टाइम तक ग्रीन रहेगा और उसके बाद रेड होगा और उसके बाद फर्दर टी टाइम तक रेड ही रहेगा, ये कहानी है। यस सर। तो ये अपने यहां से पीछे कितने नंबर ऑफ कार या कितने डिस्टेंस को कैटर करता है ये समझो आप। पर्पस क्या है ट्रैफिक सिग्नल का, सुनो सर, ट्रैफिक सिग्नल का पर्पस ये है कि मैंने यहां पर सिग्नल लगाया तो मैं देख रहा हूं कि जब ये सिग्नल रेड रहता है तो लंबी लाइन लग जाती है और फिर जब ये ग्रीन होता है तो वो पूरा लंबा लाइन पास नहीं हो पाता, यही पर्पस था। इसके लिए इसने क्या किया कि ग्रीन सिग्नल का ड्यूरेशन बढ़ा दिया लेकिन रेड सिग्नल का ड्यूरेशन वही रखा, सच दैट ये लंबा जाम नहीं लगे, है ना। क्वेश्चन का पहला लाइन देखो, अ ट्रैफिक ऑफिसर रिसीव कंप्लेंट्स ऑन फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जाम एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ऐसा कुछ है, दूर है मेरे से वहां स्क्रीन इसीलिए, मेन स्ट्रीट ऑन अ बिजी मार्केट, ही हैज स्टडीड द ट्रैफिक पैटर्न एंड टू सिंपलीफाई द कैलकुलेशन मेड अ रीजनेबल अजम्पशन। तो ये जो लिखा है ना, मेड अ रीजनेबल अजम्पशन, मतलब अगर मेरे सिग्नल से 1 किलोमीटर तक लंबा लाइन लगता है तो ये लाइन बढ़ना नहीं चाहिए, उतना ही रहना, या कोई एक डिस्टेंस मनी मन फिक्स कर लेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल से 500 मीटर के दूरी तक इससे ज्यादा जाम नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो बात, रीजनेबल अजम्पशन का मतलब समझा। यस सर। कि ट्रैफिक ऑफिसर के दिमाग में कुछ है कि सिग्नल से लेट्स से 500 मीटर डिस्टेंस व्हाटएवर इस डिस्टेंस के दूरी तक ही जाम लगना चाहिए, उससे ज्यादा जाम नहीं लगना चाहिए, ये कुछ उसके दिमाग में अजम्पशन है। तो इसने क्या किया कि रेड वाले को उतना ही रखा और ग्रीन वाले का टाइम डबल कर दिया, तो इससे जो मूविंग ट्रैफिक थी जिसकी एवरेज स्पीड पहले कुछ थी वो इंक्रीज हो गई तो जाम कम हो गया, यही कहानी है मोर ऑर लेस, यही कहानी है। यस सर। अब इसको तुम विजुलाइज करो, अभी मान लेते हैं अपने मन से इस डिस्टेंस पर
इस डिस्टेंस तक जैम लगता है अपने मन से मान लिया, अपने मन से मैंने मान लिया कि इस डिस्टेंस तक जैम लगता है। अब अभी ट्रैफिक रेड से स्टार्ट, तो अभी ट्रैफिक रेड है तो सबको रेड दिख रहा है, जो जहां है वहीं पर रुक गया है, मतलब इतने दूर तक का जाम है। इस जैम को पास करने में अब ये मेरा टी टाइम तक रेड ही रहेगा, टी टाइम तक रेड ही रहेगा। यस सर, यस सर। तो v into t डिस्टेंस तक में जो ट्रैफिक है उतना दूर जाम लगेगा। यस सर, आया ना? आप कंटिन्यूअस कार को समझ लो, तो अगले t सेकेंड तक, पहली बार जो कार यहाँ पहुंचा उसको रेड दिखाई दिया, वो रुक गया। अब बाकी जितने कार्स आ रहे होंगे सब रुक रहे होंगे, तो अगले टी सेकेंड तक जितने भी कार दिखाई देंगे सब रुक जाएंगे। हाँ या ना? यस सर, यस सर, सब रुक जाएंगे। तो ये जो मेरा डिस्टेंस हो गया एस, इस डिस्टेंस में अब ये मेरा मान लो सिग्नल टी सेकेंड तक रेड है, और जब ये ग्रीन होता है उतने ही टी सेकेंड पर, तो इतने कार पास ऑन हो जाते हैं। यही कहानी रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस केस में एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड दिया हुआ है ना? मतलब टू, ध्यान से समझना, 2 into 1.5, दैट इज किलोमीटर मीटर जो भी हो, बोला मैंने 1.5 किलोमीटर है ना, हाँ, तो 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर का मतलब है कि जितना जाम लगा था, और ये 30 सेकंड तक फिर ग्रीन भी रहेगा, तो वो पूरा यहाँ से पास करेगा, तो 2 into 1.5 वाला यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ तक सही है कि नहीं? Yes, 30 सेकेंड तक तो रेड रहा, तो रेड के साथ साथ अगले 30 सेकेंड तक जब ग्रीन रहा उसमें भी तो ट्रैफिक पास किया होगा, तो ये टी वाला यहाँ से यहाँ पास कर गया, मान लो 30 सेकेंड में ये वाला यहाँ से यहाँ पास कर गया, और तब इसके आगे टी यहाँ रहा, तो टोटल ये 2s डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। आप एक ही ट्रेन समझो, सुनो, छोड़ो वो सब, एक ट्रेन समझो ऐसा है, जो ट्रेन रुका जैसे ही ग्रीन हुआ, ये एक ही ट्रेन चलना शुरू किया शुरू किया शुरू किया, अब ग्रीन रहा, जब ये रेड हो जाएगा तब ये रुकेगा, तो 30 सेकेंड तक रेड था, तब तक लेंथ इतना, उसके बाद फिर इतना, तो ये टोटल ट्वाइस ऑफ लेंथ का हमारा एरिया कवर हो गया ना, एक रेड और एक ग्रीन के बीच में। Yes, पक्का समझ आ रहा है? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। कुछ 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 छोटा लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। सुनो, एक ही मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ, मुझे जैसे ही सिग्नल रेड दिखेगा मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? तो अपना एग्जांपल लेते हैं, मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नल है, मैं सिग्नल के पास पहुंचा तो सिग्नल रेड हो गया, तो मैं हूँ यहाँ, और अगले 30 सेकेंड तक मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, अगले 30 सेकेंड तक मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, तो मैं आगे जाऊंगा, तो मैं मान लीजिए आगे चला गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये जो लास्ट वाला आदमी है ये भी इसको क्रॉस कर गया ना एक ही सिग्नल में। बार बार पापा के साथ कार पे जाते हो तो तुम्हें क्या लगता होगा कि ओबेरॉय
जहाँ कहीं भी आप रहते किसी सिग्नल के पास हो तो एक बार सिग्नल खुल के बंद हो जाता है फिर भी हम क्रॉस नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना? यस सर। उसी को ट्रैफिक जाम कहते हैं। तो पहले रेड में इतने दूर का जाम लगा तो अगले ग्रीन में ये पूरे जाम को खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो जस्ट एक नाम दे देता हूँ नोमेनक्लेचर, ये मैं फर्स्ट हूँ, ये कोई एनएल है। तो अब जब अगला वाला रेड दोबारा होगा तब तक ये वाले एनएल को क्रॉस कर जाना चाहिए। यस सर। और मैं यहाँ रहूंगा और एनएच वाला यहाँ रहेगा तब जाके ये दोबारा रेड होगा, तब जाके ये दोबारा रेड होगा, क्लियर? यस सर। यस सर। तो एक पूरा रेड रहा टी टाइम तक, फिर पूरा टी टाइम तक ग्रीन रहा, है ना, और फिर रेड हुआ। यानी कि ये वाला आदमी कितनी देर वेट किया? टूटी क्या? टूटी नहीं, टी ही हुआ। ये अगले 30 सेकेंड तक, तो ये तो लास्ट मोमेंट पर रेड देखा। तो इस पूरे प्रोसेस में मान लीजिए ये मैं यहां पहुंच गया, अगली बार क्या किया कि रेड का ड्यूरेशन उतना ही है लेकिन ग्रीन का ड्यूरेशन डबल कर दिया। तो ग्रीन का ड्यूरेशन डबल कर दिया तो अब क्या है कि मैं अब यहां पहुंच जाऊंगा और ये वाला जो लेंथ है इसके पीछे भी एन लोग ऐसे रहेंगे, इसको टू एन लोग कह देते हैं। तो अब क्या होगा, टू एन वाला आदमी यहाँ पहुंचेगा अगले केस में? यस सर। है ना, अब जैसे मैं नंबरिंग कर दिया तो अभी क्या है, जब वन वाला पहुंचता है और एनएच वाला इसको क्रॉस करता है तो सिग्नल दोबारा से रेड हो जाता है। तो अब क्या होगा, अगली बार में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा और मेरे पीछे जो टूवेल वाला होगा वो जब इसको क्रॉस करेगा तब रेड होगा। ये बात समझ आया? तो मेरे वाले केस में स्पीड थी कितनी, मेरे वाले केस में स्पीड थी कितनी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर मेरे वाले में स्पीड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा मूविंग सिग्नल हुआ, और इस केस में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मूविंग सिग्नल हुआ। यस सर। पक्का? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो इस डिस्टेंस को अगर तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है 1.5 इंटू टू टी, ये बात समझ आ रही है? 1.5 इंटू टू टी इज इक्वल टू नया वाला स्पीड भी इंटू थ्री टी अपॉन टू, अपॉन टू समझो। ये अपॉन टू का मतलब समझ आया, थ्री टी अपॉन टू क्यों हुआ बोलिए? हाँ सर। यस सर। ये थ्री टी अपॉन टू समझ आया क्यों हुआ थ्री टी अपॉन टू? नो सर।
सर समझा मतलब ये क्या है, ये फॉर्मूला नहीं है जो मैं बोलता हूँ, मुझे आपके हाँ सर वो थोड़ा दिमाग में का देखना पड़ेगा सर। मैंने वो उसको टैप वाटर जैसे रिप्रेजेंट किया था, कितना पानी निकल रहा है। हाँ ऐसा लॉजिक भी चलेगा, कितना पानी निकल रहा है, तो पानी का वॉल्यूम फिक्स है, मतलब मेरा ट्रैफिक उतना ही है, मेरा ट्रैफिक उतना ही है जिसको कि मुझे स्मूथली पास ऑन कराना है पहले भी और अब भी। तो पहले क्या था, पहले जब सिग्नल के बीच का टाइम गैप कम था तो हमारे चलने की स्पीड कम थी, अब टाइम गैप ज्यादा हो गया तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, वॉल्यूम उतना ही है ना। हाँ सर ऐसे समझो कि मुझे मूविंग ट्रैफिक चलाना है, तो पहले जब ट्रैफिक लाइट के बीच में टाइम गैप कम था तो मेरी स्पीड धीरे धीरे स्लो स्लो जा रहा, अब टाइम गैप ज्यादा हो गया तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ सर हाँ सर तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसको इसको फॉर्मूला में पुट नहीं करना है, इसको लॉजिकली समझाना है कि कैसे होगा। अब टाइम गैप किस रेशियो में बढ़ेगा, तो जितना ट्रैफिक पहले रेड सिग्नल रोकता था उतना ही अब भी रोकेगा, क्योंकि वो तो उतने ही टाइम तक रेड है, बट ग्रीन वाला में जितना टाइम जाने को मिलता था अब उससे ज्यादा मिलेगा। ग्रीन वाला टाइम मेरा डबल हो गया तो अब मुझे उससे ज्यादा मिलेगा। हाँ सर तो उतने ही वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को, उतने ही वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को अब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ गई। अब इसको विजुलाइज करना है, मैं कैसे विजुलाइज करके समझाऊं, इसी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो कोई तुम लोग भी कोई लॉजिक बताओ ना, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग भी मुझे कोई लॉजिक बताओ। सर हम वो टैप वाटर का एग्जांपल ले ना, तो उसमें समझो हमने एक सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया। हाँ तो सर एक मिनट, ग्रीन लाइट को समझो हमने पकड़ा कि टैप वाटर को खोला है, और फिर उसके बाद एक सेकंड वापस हमने टैप वाटर को बंद कर दिया, तो टोटल टाइम तो उतना ही आया, पर वो जो जो पानी को हम ट्रैफिक पकड़ सकते हैं। हाँ वो जितना जमा हुआ मेरा। हाँ सर तो वो ट्रैफिक से वापस हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था 2T वाला वो आ जाता है, क्योंकि S में रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो ट्रैफिक था मतलब डिस्टेंस जिसने जितना ट्रैवर्स किया है। और फिर हम सेकंड सिनेरियो के लिए क्या ग्रीन का जो तो ग्रीन सिग्नल का जो टाइम था उसको हम डबल कर देंगे और रेड को उतना ही रख देंगे, तो वापस दूसरा सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगा। सर वो पहले केस का एस डिस्टेंस लेके भी कर सकते हैं वैसे ही। सर जब मतलब अभी टाइम जब 2T रहता है, जब रेड और ग्रीन में इंटरचेंज होता है, तब एस डिस्टेंस की ट्रैफिक क्लियर हो जाती है, तो उसकी स्पीड तो उसकी एवरेज स्पीड रहती है 1.5। तो जब सेकंड केस में जब टाइम 3T होएगा क्योंकि ग्रीन डबल हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ डिस्टेंस भी 2 times कवर होगा, तो 2s/3t is equal to x meter per second. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करके आएगा 3x/2 is equal to 1.5. नहीं नहीं वो आंसर तो नहीं 2x/2. पहली बात आपने सही कही कि पहले केस में कितने डिस्टेंस का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, ये देखते हैं। ये वाला लॉजिक थोड़ा समझा कि पहले केस में मेरा कितने डिस्टेंस का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, अगर 30 सेकंड का टाइम गैप है, अगर 30 सेकेंड का टाइम गैप है रेड और सिग्नल में, तो पहले केस में कितने डिस्टेंस का ट्रैफिक मेरा क्लियर हो जाता है, तो पहले केस में मेरा 1.5 × 2T इतने डिस्टेंस का ट्रैफिक मेरा क्लियर हो जाता है, यही कह रहे हो? यस सर। डिस्टेंस का ट्रैफिक मेरा क्लियर होता है पहले वाले केस में विद स्पीड 1.5, है ना? यस सर। यस सर। दूसरे केस में इतने ही डिस्टेंस का ट्रैफिक
इतने ही डिस्टेंस का ट्रैफिक 3t टाइम में कवर होता है सर डिस्टेंस डबल हो जाएगा ना डिस्टेंस डबल हो जाएगा ना हाँ सर वही डिस्टेंस डबल हो जाएगा 3t में 2t तो फिर डबल हो जाएगा डिस्टेंस अच्छा हाँ ग्रीन सिग्नल का टाइम डबल हुआ है हाँ सर यस सर ग्रीन सिग्नल का टाइम डबल हो गया है तो पहले सिग्नल से पीछे 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस का ट्रैफिक गायब होता था तो अब 2 किलोमीटर तक का ट्रैफिक गायब होगा हाँ सर डिस्टेंस डबल हो जाएगा यस सर तो अब क्या हो जाएगा मेरा जो ट्वाइस ऑफ डबल वाला डिस्टेंस होगा ये गायब होगा मेरा नए वाले स्पीड इनटू 3t टाइम में यस सर यस सर यही मैं बोल रहा था कर देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सर ये लॉजिक समझाने के लिए अच्छा है बाकी लोगों को मैं फिर से समझाता हूँ सुनो पहले जब हमारा ग्रीन लाइट मान लो 1 मिनट तक जला रहता था समझो इस बात को तो ट्रैफिक सिग्नल से 1 मीटर तक के डिस्टेंस में जितना ट्रैफिक होता था वो निकल जाता तो अब अगर डबल टाइम तक सिग्नल मेरा हरा रहेगा तो अब 2x डिस्टेंस में जितना ट्रैफिक होगा वो निकल जाएगा ये बात समझ yes, आया यस सर अगर सिग्नल के पास मान लो 1 किलोमीटर के ट्रैफिक की लंबी लाइन लगती थी पहले ठीक है तो ट्रैफिक के पास 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी पहले जो कि क्लियर हो जाती थी ग्रीन सिग्नल के ड्यूरेशन पर अब ग्रीन सिग्नल का ड्यूरेशन अगर डबल हो गया तो ट्रैफिक के सामने 2 किलोमीटर तक की लाइन कवर हो जाएगी यस सर यस सर है ना तो ये डिस्टेंस दूसरे केस में पहले डिस्टेंस का डबल होगा अब बात आती है कितनी देर में कवर हो जाएगी तो पहले 2t टाइम में कवर होती थी अब 3t टाइम में कवर होगी तो 1.5 इनटू 2t जो डिस्टेंस होगा v इनटू 3t उसका डबल डिस्टेंस होगा ये लॉजिक सबसे अच्छा है वेरी गुड बहुत बढ़िया ये वाला लॉजिक सही है कि ट्रैफिक सिग्नल से कितने दूर तक का डिस्टेंस एक बार ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल होने से निकल जाता है वेरी गुड बहुत किसने बताया सर अमोग अमोग बहुत बढ़िया अमोग मजा आ गया ये वाला थॉट प्रोसेस सही आप लोग समझे बाकी लोग देखो कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं ऐसे ही कुछ मतलब मेंटल चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये विजुलाइज करने से ही होगा इसका दूसरा तरीका ये भी मैं बता देता हूं आपको जो मैं पहले कह रहा था एक ही कार्य है आप क्या करो एक और तरीका बहुत अच्छा बताता हूं मान लो एक धागा है ठीक है एक धागा को हम पुल करते जा रहे हैं जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ हम पुल करते जा रहे हैं रेड हुआ हम रुक गए ठीक है तो धागा को अगर हम पुल करते जा रहे हैं अभी तो अभी कितना लंबा धागा मैंने पुल किया और दूसरे वाले केस में मैंने कितना लंबा धागा पुल किया इन दोनों के डिस्टेंस और टाइम को इक्वेट करना है तो स्पीड मिल जाएगा आया समझ में हाँ सर वो जो मैं सिंगल कार का एग्जांपल दे रहा था कि मेरे कार का एक लेंथ मान लो ट्रेन का ऐसा है तो ट्रेन का कितना लेंथ इस सिग्नल को क्रॉस किया वो अगर देखोगे तो सिग्नल अगर आप डबल टाइम तक ओपन है तो पहले एल लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉस करता था अब 2L लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉस करेगा वही बता रहा था पहले मैं मान लीजिए एक लेंथ का ट्रेन है जब भी सिग्नल रेड होता है रुक जाता है ग्रीन होता है चलता है तो पहले अगर एक ट्रैफिक सिग्नल में एल लेंथ ऑफ ट्रेन पास कर जाता था तो अब उसी ट्रैफिक सिग्नल में 2L लेंथ ऑफ ट्रेन पास करेगा Yes, sir. आया समझ में आप इस ट्रैफिक को कंटिन्यूअस ट्रेन समझ लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का ट्रेन है तो एक ट्रैफिक ऑपरेशन में पहले एल लेंथ ऑफ ट्रेन पास होता था तो अब 2L लेंथ ऑफ ट्रेन पास होगा पहले 2t टाइम में होता था 3t टाइम में होगा तो स्पीड बताना है क्लियर यस सर यस सर क्लियर हो गया दोनों लॉजिक से या अभी भी कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए नया लॉजिक नहीं इसी दोनों लॉजिक में अगर कोई डाउट है तो बोलिए समझाता हूं मैं ट्रेन वाला मेथड सबसे अच्छा है एक इनफाइनाइट लेंथ का ट्रेन है जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है ट्रेन चलता है सिग्नल पे ही ट्रेन है और रेड होता है तो रुक जाता है तो एक एक सिग्नल में मान लो एल लेंथ ऑफ ट्रेन बाहर निकल गया अभी तो अगली बार जब हमारा सिग्नल डबल टाइम पे ग्रीन रहेगा
तो ड्यूअल लेंथ ऑफ ट्रेन बाहर निकलेगा, है ना? तो ये वही कहानी है, पहले एल लेंथ ऑफ ट्रेन बाहर निकला, अब ड्यूअल लेंथ ऑफ ट्रेन बाहर निकलेगा। तो पहले टू टी टाइम में और अब वही थ्री टी टाइम में, तो ये भी निकालना है। आगे बढ़े? Yes sir. Next question. अच्छा, instantaneous velocity तो तुम लोगों को आता होगा शायद, मैंने नहीं पढ़ाया है, अलग बात है। तो जितना पढ़ाया है उतने में से ही कोई सिंपलता देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ो तो देखने में वैसा लगता है, पर है अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करो जरा सा। क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो बोलिएगा मुझे। सबके सामने क्वेश्चन है ना? यस सर। तो पहले क्या था कि चींटी ऐसे सिलिंड्रिकल ग्रूव में इधर से इधर जाते थे। अब एक बच्चा जो उसको हेल्प कर रहा है उसने ऐसा एक इंक्लाइन बना दिया, उसके पास बेचारे के पास एक 38 सेंटीमीटर का वायर था, तो उसने एक ऐसा रास्ता बना दिया, वो सोचा कि मैं चींटी की हेल्प कर देता, ठीक है? तो अब कितने टाइम में वो क्रॉस करके जाएगा? हाँ बेटा। सर ये क्वेश्चन में डाउट था कि सर इसमें जो चींटी है वो वायर के एंड टू एंड ही ट्रैवल कर पाएगा या बीच में वो ड्रॉप कर सकता है, like जब नहीं, वायर फ्लोर से कनेक्टेड है? नहीं नहीं, दो मिनट सुनिए, पढ़िए। अ सेमी सिलिंड्रिकल ग्रूव ऑफ रेडियस आर इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड आंट वांट टू क्रॉस द ग्रूव, तो उसको इधर से उधर जाना है, तो चींटी को इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन से, डायग्राम में देखो ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, यहाँ पर उसको गड्ढा मिला, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, तो चींटी को यहां से यहां तक को जाना ही है। तो अभी तक चींटी ऐसे जा रही थी, अब किसी बच्चे ने क्या कर दिया कि यहाँ पर वो एक अल्टरनेट रास्ता बना दिया जिससे कि चींटी ऐसे जाए, तो यहां से यहां तो जाना ही है, रुकने की बात ही नहीं है। इस पूरे रेड वाला जो मैंने लेंथ ड्रॉ किया है, इस लेंथ ऑफ इस वायर का मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल है 38 सेंटीमीटर, है ना? इसमें दिक्कत क्या है कि क्रॉल अप के समय उसकी स्पीड 0.5 रहती है और क्रॉल डाउन के समय उसकी स्पीड उसकी डबल हो जाती है, तो कितने मिनिमम टाइम में वो क्रॉस करके इधर से उधर पहुंच जाएगा, ये पूछा है। देखो मैक्सिमम लेंथ क्या है कि एक बार इस बात को समझो, वायर का अवेलेबल लेंथ 38 है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिक्स
स्लाइड करते समय, नीचे स्लाइड करते समय उसकी स्पीड डबल है ऊपर जाते वक्त। तो ये किस तरह से ऐसा बना है कि उसको पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे, कोशिश कीजिए। सर 114 सेकंड्स नहीं, 19 नहीं सर, 1 सेकंड सर 50 नहीं, सर 38 नहीं। अरे इतनी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। सर इसमें जो इन लोगों ने 38 सेंटीमीटर का वायर दिया है वो फुल्ली यूज होगा या थोड़ा सा बच जाएगा वो ऊपर? मुझे नहीं पता, ये आपको सोचना है। मैक्सिमम 38 सेंटीमीटर में हमें इसको कवर कर लेना है, इसका ये मतलब है। अब वो पूरा बचेगा या नहीं बचेगा ये आपको देखना है। 62.8 कितना आया? 62.8 किसने बताया आंसर? ये सृष्टि। सृष्टि मोटा मोटा ठीक है, कैसे सॉल्व किया बताओ। सर मैंने वो लेंथ फाइंड आउट किया दैट गोइंग अप वायर व्हिच इज 12.4 सेंटीमीटर्स। कैसे आया 12.4? पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा सर वो राइट एंगल है ना वो वायर? हाँ चलो राइट एंगल, हाँ राइट एंगल है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। हाँ एंड वो 38 सेंटीमीटर, आई अज्यूम्ड इट एज 38 सेंटीमीटर। तो आपने पूरा वायर यूटिलाइज कर लिया सर? हाँ ठीक है, चलिए मान लिया, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने डिसेंडिंग का टाइम फाइंड आउट किया, फिर असेंडिंग का टाइम फाइंड आउट किया, देन आई गॉट द आंसर लाइक एडिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है, वेरी गुड। वो मिनिमम टाइम है कैसे मालूम? सर एज्यूम कर दिया। अच्छा ठीक है और भी कोई लोग करने दो पहले सबको।
और कोई बताओगे? मैं डिस्क्लेमर पहले ही बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, ये आईआईटी से के स्टैंडर्ड और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। एक्चुअल में आई वांट यू टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स ओलंपियाड। इंटरेस्टेड हो तुम लोग फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपेयर करने को? ऐसे ही जबरदस्ती बैठते हो? सर इंटरेस्टेड। हाँ मतलब अदरवाइज बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेईई स्टैंडर्ड के करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्लास में कराता ही हूँ। बट जानबूझ के थॉट प्रोवोकिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन कराना पर्पस है कि दिन में 4-5 क्वेश्चन ही हो, बट वो आपके दिमाग को इतना स्ट्राइक करे कि सोते जगते खाते पीते घूमता रहे कि अरे सर ने ऐसा कैसे बोल दिया था, इसमें तो ये गलत है वो गलत है, लगना चाहिए गलत है, तब जाके कुछ दिमाग का काम। हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। वो तो क्या है कि अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कैलकुलस पढ़े नहीं, वो काइनेमेटिक्स भी पूरा नहीं हुआ है, केवल वन हुआ है, ये तो कराने को तो इतने क्वेश्चन है कि पूछो मत, थक जाओगे। सर 44 हो सकता है? क्या हो सकता है? 44 62 कुछ आ रहे हैं। रेडियस कितना दिया है इसका? 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है, 40 सेंटीमीटर ही होगा, या मैं आर के टर्म में रहने देता हूँ, ये डिस्टेंस तो फिक्स है कि 2 आर ही रहेगा। ये वाला डिस्टेंस मेरा हो जाएगा अंडर रूट 4r² - x² होगा। अभी देखना है इसमें, ये आंसर आने से सबसे बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ होगा? यस सर। अब जो टाइम लगेगा अगर मैं ऐसे देखूं तो ये जो भी x आया है, x अपॉन इस केस में इसकी स्पीड ट्वाइस ऑफ v होती है और इधर v होती है ऐसा, तो x अपॉन 2v प्लस अंडर रूट 4r² - x² अपॉन v, ये टाइम लगेगा इन जनरल? यस सर। अब मुझे x तो मालूम नहीं है कि x कितना है, तो अगर x पता चल जाए तो बाकी सब कुछ तो पता है, v मालूम है, r मालूम है। अब इस t को मिनिमम होने के लिए x को कितना होना चाहिए ये अगर पता चल जाए तो हमारा काम चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये x कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन बताएगा?
किसने सॉल्व किया था? सृष्टि ने किया था, बोल सृष्टि। सर मैंने अज्यूम किया कि x 38 है। x 38 है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड आती है। अरे बेटा x 38 होगा तो टोटल लेंथ ऑफ वायर ही 38 है मेरे पास ना, और ये पूरा है 40, तो यहां से 38 में कितना ले जाओगे? ये ऐसे ऊपर भी जाएगा, नहीं समझा? समझा सर। तो x को 38 पकड़ने का लॉजिक तो गलत हो गया है ना। So can you explain once again? I said she has, I mean put x is equal to 38. So if x is 38, which is the entire length of wire, और यहाँ से यहाँ का horizontal distance ही 40 है, तो x 38 में इधर आके वायर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कैसे जाएगा फिर? नहीं, दोनों वायर का लेंथ 38 अलग अलग है, ऐसा लिखा है ना। अब वायर डिसाइड टू हेल्प द एंड मेकिंग अ ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वायर सेगमेंट्स, बट ऑल द अवेलेबल वायर्स आर ऑफ लेंथ 38 मीटर, सो द बॉय रिजिडली कनेक्ट द टू वायर एट राइट एंगल एंड प्लेस द ब्रिज। अच्छा, तो ये भी मुझे 38 तक अवेलेबल है और ये भी 38 तक अवेलेबल है, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू 38 हो सकती है, ये मतलब है इसका, ठीक है? हाँ, हो सकती है, x की मैक्सिमम वैल्यू 38 हो सकती है, ये पक्का है। दूसरा वायर भी है, कितना भी लेंथ का हो, मैक्सिमम 38 तक अवेलेबल है इसका, ये मतलब है। या ये वाला लाइन भी मैक्सिमम 38 है, ये ठीक है, x 38 लिया जा सकता है, यहां तक मैं ठीक, बट 38 लेने पर ही मिनिमम आएगा, ये कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? एक तो मैं कैलकुलस से भी कर सकता हूं, बट कैलकुलस अलग चीज है। सब सुनो, सुन रहे हो सब? यस सर। यस सर। अब एक तो कैलकुलस से कर दूंगा, बट कैलकुलस को सोचो। इधर देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, और ये 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो x हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग जो मैं कह रहा हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, x हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला टर्म तो इंक्रीज होगा। सब ध्यान से इस लॉजिक को सुनो, ये वाला टर्म इंक्रीज होगा या नहीं? यस सर। यस सर होगा। ये वाला टर्म डिक्रीज होगा या नहीं? यस सर। तो मेरा पहला टर्म इंक्रीज होगा और दूसरा टर्म डिक्रीज होगा, बट पहले वाले टर्म में 2v का डिवीजन है और दूसरे वाले टर्म में v का डिवीजन है, समझे? नीचे जो डिवीजन हो रहा है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि x के इंक्रीज करने से इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होगा या इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा होगा। अगर इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा होता है तो हम x की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, जो कि x का मैक्सिमम 38 हो सकता है, समझे कि नहीं? वैल्यू रख के बताता हूं, चलो छोड़ो, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है ना 0.5, तो इसको मैं लिख देता हूं x अपॉन 0.5 इनटू 21, तो t इज इक्वल टू मेरा हो गया x प्लस अंडर रूट r, कितना है बेटा 20, तो 20 स्क्वायर 400, 400 इनटू 4 1600,
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी, वी कितना है 0.5 मतलब यहाँ पर 2 आ गया, ये तो अब एक्सप्रेशन छोटा हो गया ना, तो t इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू अंडर रूट 40 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है? यस सर। रेड हाउस में तो थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो मैंने बताया है ना आपको? यस सर। तो x की वैल्यू 40 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। और ऐसे भी x मेरा 39 तक अवेलेबल है, 38 तक अवेलेबल है। यस सर। तो मेरे पास एक कंस्ट्रेंट हो गया कि x इज लेस देन 38, लेस देन इक्वल टू 38, ये क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट है। अब तुम क्या करो मन ही मन समझने के लिए x की वैल्यू पुट करते जाओ, मान लो x 0 पुट कर दिया तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। अगर अभी कैलकुलेटर नहीं यूज करना, मैं खाली कॉमन सेंस बता रहा हूँ, x 0 पुट कर दिया तो k कितना आया, 80। देखते रहना, x 0 पुट कर दिया तो t आ गया 80, x को 1 पुट कर दो, 1 या फिर ऐसा कुछ जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये 1600 है ना, तो 1600 है और 38 तक रेंज है मेरे पास, तो बीच का कुछ 10 पकड़ लो, x को अब मैं 10 पुट कर देता, x को 10 पुट कर दोगे तो 1600 माइनस 100 1500 हो जाएगा, 1500 होगा ना बेटा? यस सर। तो ये हो गया मेरा 10 प्लस 2 इनटू 10 रूट 15 होगा। यस सर। अभी मुझे ये चेक करना है कि ये 80 से छोटा है या बड़ा है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, खाली ये चेक कर लो कि 80 से छोटा है या बड़ा है, तो मैं ऐसे ही चेक कर देता हूँ, रूट 15 4 है, छोटा है सर, छोटा है, वेरी गुड। और चाहिए, एक और आपको प्रूफ चाहिए तो x इज इक्वल टू 20 पुट कर, 20 पुट कर दोगे तो 1600 माइनस 400 1200 होगा, सर बड़ा है, बड़ा है, सॉरी सर बड़ा है, बड़ा है सर, बड़ा है, बड़ा है सर, यस सर, x इज इक्वल टू 20 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 20 पुट करोगे तो ये कितना मिलेगा, 1200, ये तो 1200 मिलेगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 1200 में से 10 गया तो 20 इधर आ गया और उधर रूट 12 आ गया, तो रूट 12 इज टू रूट 3, ये वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड वाले वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, मुझे सिर्फ ये बताइए, बड़ी है, बड़ी है सर, बड़ी वैल्यू, तो 20 प्लस 40 रूट 3, रूट 3 1.7, तो 28 प्लस 48 हो गया शायद, नहीं 40 इनटू 1.7 सर 89.68 प्लस 20 88, और ये कितना आया था कोई बताएगा क्या मुझे सर, 87 86 सेकंड वाला कितना आया था कोई बताएगा क्या, कुछ आ रहा सर 86 86 87 आया था, ये 87 आया। अब देखो 38 के क्लोज 35 रखो, 35 रखोगे तो देखोगे अब ये टाइम मेरा कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा मतलब ऐसे समझो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b लिखने में आसानी होगी, है ना,
ये आपका अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है तो ये एक तरीका है। अदरवाइज दूसरा तरीका जो आपका कैलकुलस का है वो क्या है, dt by dx निकाल के इसको जीरो से इक्वेट करके देखेंगे तो x के किस वैल्यू पर कम से कम ये तो पता चल जाएगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम लोगों को मिनिमम टाइम मिल जाएगा। तो अगर ये मेरा फंक्शन x के किसी 38 के बीच के किसी वैल्यू के बाद डिक्रीजिंग आता है तो x के हाईएस्ट लिमिट पर ये मुझे मिनिमम टाइम मिलेगा। यस सर, समझे कुछ? देखो रेड हाउस में मैंने बताया था कि अगर dy by dx पॉजिटिव होता है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यस सर। Yes, dy by dx नेगेटिव होता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यस सर। यस सर। तो सुनिएगा ध्यान से, फंक्शन अगर फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग तो मैक्सिमम मिलेगा। यस सर। फंक्शन फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग तो मिनिमम मिलेगा। यस सर। तो यहां से देख लेंगे कि x के किस वैल्यू पर इसका डिफरेंशियल मुझे नेगेटिव आना शुरू हो जाता है तो वो मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमम या रेंज भी मिल जाएगा। तो वो अगर मुझे 38 पे मिलता है तो x को 38 पुट करेंगे, अदरवाइज कुछ और पुट करेंगे। क्लियर है? मैं सोचा था कि कुछ वैल्यू पुट करने से अल्जेब्रिकली वो एग्जैक्ट वाला पॉइंट दिख जाए कि जहां पर डिक्रीज होके इंक्रीज होना शुरू होता है और वो पॉइंट 38 ही रहता तो मैं आपको दिखा देता कि ये मिनिमा है। समझे कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। एग्जैक्ट ये वैल्यू पुट करने से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि x अगर जो हमारा रेंज है 38 तक वहां तक इंक्रीज करने में अगर x के मैक्सिमम वैल्यू पर अगर मुझे टाइम मैक्सिमम मिलती है तो वही हमारा आंसर होगा, और नहीं तो एक और तरीके से। अच्छा 38 रख के देखो तो क्या आता है t का वैल्यू, कोई एक आदमी जल्दी से कर 63। तो 38 पुट करने पर 63 आता है ना? यस सर। यस सर। इससे पहले अभी मैंने कुछ तो पुट किया था तो मुझे 88 आ रहा था ना? हाँ सर। सर 20 पुट करने पे। हाँ 20 पुट करने पे 88 मिल रहा था ना? यस सर। मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग जरूर है बीच में कहीं। यस सर। और अगर उसके डिक्रीजिंग के रेंज में ही कहीं मुझे 38 मिल गया तो यही मिनिमम होगा ना? यस सर। यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ दो चार वैल्यू पुट करके आंसर जज कर सकते हैं। जैसे एक्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू 38 है तो वो पुट करके टाइम निकाल लेंगे, एक वैल्यू उससे छोटा पुट करके देख लेंगे क्या होता है। अगर देखेंगे कि 38 वाले में मिनिमम टाइम है तो मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? यस सर। इरेज करो सर, 2 मिनट लिख। सर फाइनल आंसर क्या आता है? वही 63, मतलब x 38 पुट करने के बाद जो आएगा 63 के आसपास वो आंसर होगा। आंसर गिवन इन द बुक इज 63 सेकंड्स एंड दिस 63 सेकंड अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट दैट x इज इक्वल टू 38। एक और तरीका दिखाता हूँ, देखो सुनो। अगर 32 लेंगे तो मुझे 44 सेकंड्स आ रहा है। दो मिनट, एक और चीज देखो। एक सेकंड में 40 ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा। यस सर। अगर मैं x 40 लेता हूँ तो ये वैल्यू जीरो और t इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, मतलब 38 के बाद फर्दर डिक्रीजिंग है। यस सर। लेकिन हमारा वायर तो 38 से ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है, तो जो हमारे रेंज में है उसमें ये आंसर होगा। अच्छा बीच में कौन बोला एक बीच में एक और आता है? नहीं सर, रॉन्ग था सर। रॉन्ग था ना।
आप समझे मेरी बात, न्यूमेरिकली कंपेयर करने के लिए x is equal to 40 is the best thing to compare. I mean easy, तो उसमें t 40 मिलेगा, लेकिन हमारा 38 तक ही अवेलेबल है, तो 38 वाले में देखेंगे तो 40 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा. मतलब ओवरऑल फंक्शन डिक्रीजिंग है, x के इंक्रीज होने से अगर डिक्रीज होने का रेंज मुझे नीचे में कहीं मिल गया तो x का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, t मिनिमम मिल जाएगा. यस सर. ठीक है. अच्छा एक चीज देखो, जस्ट ऐसे ही, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन थॉट प्रोवोकिंग अच्छा क्वेश्चन है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तो समझ में आता होगा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इतना, मतलब लॉजिकल इतना मीनिंग तो समझ में आता होगा ना, लैंग्वेज वाला. यस सर. हां सर. तो जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करके देखो. तो ये सिंपल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन कहीं नहीं है, सोचने वाला है. इस क्वेश्चन का मतलब समझो, दो बार तीन बार चार बार पढ़ो और मीनिंग समझने की कोशिश करो कि ये क्या पूछना चाहता है, उसके बाद सीधे आंसर पे पूछना, नहीं तो जल्दबाजी में दिक्कत हो जाएगी.
सर इसका आंसर यू स्क्वायर प्लस वी एवरेज इनटू एवरेज माइनस यू आ रहा है। वी एवरेज के टर्म में आंसर आएगा बेटा कि ये जो पूछा है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका रेंज क्या होगा। रेंज मतलब एवरेज वेलोसिटी के रेंज ही पूछा है ना। कौन सा क्या फाइंड द रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द वी एवरेज। तो sir? जो आपसे वी पूछा है मिड पॉइंट पर वो वी एवरेज के टर्म में आंसर आएगा कि हाफ ऑफ वी एवरेज ट्वाइस ऑफ वी एवरेज या कोई रेंज आएगा ऐसा। बोलो कोई कुछ बोल रहा था। हाँ किसी ने तो अभी आंसर पोस्ट किया मुझे सही आंसर। देखो कौन है अभी तो मुझे दिखा चैट में। देखो प्रतिनव कहाँ से लाया आंसर ये। बोलो प्रतिनव कहाँ से लाया आंसर ये। बोलो कहीं कहीं से ये आंसर पुट करते रहता है फिर बताते वक्त गायब हो जाता है। बोलो कहां से लाया आंसर। बोल तो सही बेटा। कहता है माइक ऑन करते ही डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। अरे आवाज तो तुम्हारी आती है कितनी बार। तो फोटो किसके भेज दे। वी एवरेज है क्या। नहीं बेटा रेंज है। वी एवरेज से रूट टू टाइम्स वी एवरेज रेंज है। आंसर इज दिस वी इज ग्रेटर इक्वल टू वी एवरेज and less than equal to root 2 times v average। प्रतिनव ने ये आंसर टाइप करके बताया है मुझे बट मैं तब से पूछ रहा हूँ कैसे सॉल्व किया तो नहीं बता रहा है। जल्दी नहीं हो तो फोटो खींच के भेज नहीं तो मैं समझूंगा तो कहीं कहीं से आंसर देख के कुछ कुछ बता देता है। बाकी लोग ये क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में और अगली बार मुझे बताइएगा विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लो जैसा जिस लाइन में लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट मिड पॉइंट चाहिए हमें। बोलो कुछ बोल रहे हो कोई।
कोई कुछ बोल रहा है तो बताओ। सर एक assumption यूज करके होता है। क्या हुआ, एक assumption लिया है? हाँ सर, लेकिन वो क्या लिया बताओ। सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेना तो फिर वही आता है। जीरो लेने से क्या आ जाता है सर? उससे जो जो फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो रूट टू एस होगी, और जो मिड पॉइंट की होगी वो रूट एस होगी। नहीं नहीं, जीरो लेने से दोनों रेंज आता है या एक रेंज आता है? एक रेंज आता है। एक आता है, हाँ बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो मतलब। तो थोड़ा और मेहनत कीजिए, जीरो लेने से एक रेंज आता है ना? यस सर। कौन सा वाला, वी एवरेज या रूट टू टाइम्स वी एवरेज? सर रूट टू टाइम्स वी एवरेज। तो थोड़ा सा जनरल वैल्यू यू ले, हाँ जनरल वैल्यू यू लेके करो और दोनों रेंज बताओ, कोशिश कीजिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, करके अगली क्लास में मुझे बताइएगा। एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने सर। दूसरे में हम बी को जीरो अज्यूम कर सकते हैं। दूसरे में वी को जीरो अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा बहुत सही लग रहा है मुझे, आया क्या वी को जीरो अज्यूम करके दूसरे में आंसर? सर चेक नहीं किया। बहुत अच्छा, कौन है, कौन बोल, कौन रहा है ये? धर्मिल। नाम बताओ बेटा अपना। धर्मिल। धर्मिल, बहुत बढ़िया धर्मिल। सोचो आंसर आया नहीं आया उससे मुझे नहीं मतलब है, बट मुझे तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगा कि एक बार एक्सिलरेशन, एक बार रिटार्डेशन, एक बार यू जीरो वी कुछ होगा, एक बार वी जीरो यू कुछ होगा। सोचो ऐसा, बट ऐसा क्यों सोचे, मैथमेटिकली भी करके रखो। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए करेक्ट मेथड नहीं है ना? क्या हुआ, ये करेक्ट मेथड नहीं है ना? हाँ है, करेक्ट मेथड है, इसीलिए मैंने कहा आप एक जनरल वैल्यू यू लेके शुरू करो। तो यू लेके जब जनरल वैल्यू शुरू करोगे सर उससे मैं स्टक हो गया। सुनिए तो मैं क्या, दो मिनट सुन लीजिए। आप जनरल वैल्यू यू लेके शुरू कीजिए और जनरल एक्सेलरेशन ए लेके शुरू कीजिए। नाउ यू कैन बी, ए कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ये तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो नहीं लिखा है ना कि एक ही साइड में जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, ऐसा तो नहीं लिखा है ना? तो यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। सर तो वैसे v इक्वल टू 0 ले सकते हैं। पहले करो तो सही, मैथमेटिकली करके तो देखो, पेज भर के तो देखो। मैं एक ही बार में बता दूं और आंसर ले आऊं वो ठीक नहीं है, पेज भर के देखो तब तुमको समझ आएगा। चलो अगली क्लास में बताना, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।